हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाला 24 आवर्स, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय से शुरू करके। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आपको उतना ही लेना है, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं छोड़ के जा सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है द 10 ऑफ वांड्स एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स। Now, firstly, I'll say that there is some emotional burden definitely जो आप carry कर रहे हो in a relationship, हो सकता है marriage, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी family situation में भी हो सकता है। I feel like यहाँ पे आप लोग कोशिश कर रहे हो अपने आप को emotionally satisfy करने की, like emotionally खुश रहने की, but there is something that you need to let go. Let's see that. अब बॉटम डेक एनर्जी है द डेथ कार्ड, जो मुझे डेफिनेटली इज गिविंग मी द वाइब ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आपको ऐसे समझना है इस सिचुएशन को दैट काइंड ऑफ चीज़ें आपके कंट्रोल में है, ओके, काइंड ऑफ चीज़ें आपके कंट्रोल में है, बट देर इज़ अ बर्डन जो आपको रिलीज करना है। हो सकता है ये बर्डन आपका कोई एंगर इशू हो, आप किसी से बहुत गुस्से में हैं, या आप किसी को किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है, या ये भी हो सकता है दैट आप किसी को, किसी के बारे में कुछ इमोशनल सोच रहे हैं, बट मे बी आप उस पर्सन को बता नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ अ बर्डन। आपको लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या आज कोई और इंसान है जो आपके लिए अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एंड मैं फिर से बोल देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ रोमांटिक होगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये आपके रोमांटिक पार्टनर है, हो सकता है ये आपके फैमिली मेम्बर में से कोई है, या कोई फ्रेंड्स है, कुछ बिछड़े हुए इंसान है आपके लाइफ में जिनसे मे बी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है जिनके साथ, या जिनके साथ आपका उतना भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है इस वक्त। आई फील लाइक देयर इज डेफिनेटली समबडी, या तो ये आप है, लेकिन कोई यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं जो आप या कोई और किसी से किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट एक बर्डन आप दोनों को रोक रहा है। सो इट्स टाइम कि आप उस बर्डन को रिलीज करें, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो रिश्ता या ये जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है आपका, वो इस बर्डन से भी बहुत कीमती है, या वो इस बर्डन से भी बहुत ज़्यादा कुछ है। तो डोंट स्टिक टू दिस बर्डन, ठीक है? या तो किसी को माफ़ कर दो, या तो किसी की बातों को समझने की कोशिश करो, या जस्ट किसी की एनर्जी को लेट गो कर दो, ताकि आपको हल्का महसूस हो, ताकि आपका लाइफ बैलेंस में आ सके। फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक रिलीजिंग समथिंग, रिलीजिंग अ पैटर्न, रिलीजिंग अ पर्सन, या फिर एक बैगेज को रिलीज कर देना। नाउ कमिंग बैक to your love situation, that is what I'm getting here mostly, that there is for some of you, आपने कुछ नया manifest किया है, या तो एक नया connection, new love, या तो किसी person के साथ एक reconciliation हो सकता है, but कुछ आपने manifest किया है जो आपके बहुत करीब है, okay? ये चीज़ आपके साथ होने वाला है, and I feel like वो next 2 weeks के अंदर हो सकता है, जल्द से, लाइक आई एम हियरिंग जल्द से जल्द, सो 2 हफ्ता हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए 2 महीने भी हो सकते हैं, बट ये हो रहा है, ये ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। एंड मे बी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको हिंट मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम समबडी, दैट ये ऑलरेडी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, पूरा होना शुरू हो गया है, बिकॉज आई फील लाइक देर इज़ अ यूनियन जो आपके लिए आने वाला है, ओके, रोमांटिक यूनियन, फ्रेंडशिप्स में यूनियन। आप बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड मोस्टली ये नए लोग हैं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस
इन लोगों को आप ऑलरेडी पहले जानते थे, बट आई सी यूनियन. ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. यूनियन हो रहा है आपका और किसी और इंसान का, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू वांटेड. आप ये चाहते थे, आप बहुत टाइम से ये चाह रहे थे. आपके लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे इंसान हैं, ऐसे हैबिट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और सर्व नहीं कर रहा है. ओके, एंड यू नीड टू लेट दैट गो. सो आज का जो रीडिंग है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है ऑन अ बैगेज जो आप कैरी कर रहे हो, एंड ये जो भी बैगेज है, यू नीड टू रिलीज दिस. आपको ये रिलीज करना है, बिकॉज ये बैगेज आपके लिए नहीं है. ये बैगेज आपके इमोशनल वेल बीइंग, आपके लाइफ में सेटिस्फैक्शन, आपके लाइफ में खुश रहना, अच्छा रहना, इन चीज़ों को ये बैगेज रोक रहा है. एंड आपको वो समझना है और इस बैगेज को रिलीज करना है जितना जल्दी हो सके. फॉर सम ऑफ यू, ये जो नेक्स्ट 24 आवर्स है, मैं कहूँगी फाइनेंशियली करियर वाइज आपको थोड़ा ध्यान रखना है. खर्चे कुछ हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा, मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत बड़े खर्चे हैं, बट आई फील लाइक यू आर वरिंग अ लॉट अबाउट योर फाइनेंसेस. आपके स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई रह सकता है, या आपको अपने करियर के वजह से ट्रैवल भी करना पड़ सकता है. सो जो लोग किसी ऐसे जॉब में हो या बिजनेस में हो जहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आई फील लाइक आपको ट्रैवल करना हो सकता है बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा आपको घर के बाहर रहना पड़ सकता है इस 24 आवर्स में. अगर ये वर्क रिलेटेड नहीं है तो ये कुछ और भी हो सकता है. सो आई सी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर के बाहर हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहीं पर भी, लाइक बाहर कोई भी काम से हो या जस्ट यू नो एनीथिंग. बट ओवरऑल यू नो आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है इस वक्त, ये ट्रांसफॉर्मेशन है. एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली आपको बेटर जगह पे लेके जाने वाला है, फाइनेंशियली करियर वाइज तो सबसे ज़्यादा, एंड ऑल्सो इमोशनली. आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो. आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने वाले हो जो ऑलरेडी शुरू हो गया है होना. एंड ये जो यूनियन होगा आपका, यू नो आपके लव सिचुएशन में या ओवरऑल, ये जो यूनियन होगा ये आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा लाइफ में. एंड ये आपका मैनिफेस्टेशन है. सो ये मान लो यूनिवर्स इज सेइंग ये गिफ्ट है. इट्स लाइक अ गिफ्ट, अ प्रेजेंट जो आपको मिलने वाला है. किसी वजह से नहीं, इट्स जस्ट यू नो यूनिवर्स चाहते हैं कि ये यूनियन हो, या आपने मांगा है तो यूनिवर्स बस आपको देना चाहते हैं, दैट्स इट. इसके पीछे कोई इतना बड़ा रीज़न या ऐसा कुछ नहीं है. बट दिस इज़ अ पर्सन जो आपके लाइफ में हैप्पीनेस ही लाने वाले हैं, चाहे वो न्यू पर्सन हो या पुराने हो. बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस एंड लाइक क्लैरिटी. बट इस वक्त, इस नेक्स्ट 24 आवर्स में यूनिवर्स बस चाहते हैं आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके लिए अब और वर्कआउट नहीं कर रहा है, चाहे वो हैबिट्स हो, लोग हो, कुछ बुरे नेगेटिव इमोशंस हो, कोई भी बैगेज हो. व्हाटएवर इज़ नॉट वर्किंग आउट, यू जस्ट नीड टू लेट दैट गो. एंड एक बार आपने लेट गो कर दिया, उसके बाद यू नीड नॉट वरी अबाउट इट एनी मोर. ओके, सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.